भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा की आज बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण प्रदेश कार्य समिति की बैठक संपन्न हुई है और आज के बैठक में और हमारे विभिन्न कार्य योजना जो कार्यक्रम है उसके संबंध में मोर्चे के द्वारा निर्धारित कार्य हैं जिसको मंडल स्तर तक और बूथ स्तर तक किया जाना आवश्यक है, उस कार्ययोजना पर विस्तृत से चर्चा हुई है और साथ ही साथ पहली बैठक थी। चुनाव परिणाम के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद और हमारे पिछली बार दो विधानसभा से बढ़कर जो अनुसूचित जनजाति वर्ग से थे और बढ़कर अभी 17 और एक सामान्य सीट सामान्य सीट से भी अनुसूचित जनजाति वर्ग से हमारे प्रत्याशी बुलंद सिंह जी जीत के आए हैं, तो सभी का बधाई और अभिनंदन का कार्यक्रम भी था। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का भी आगमन हुआ था इस कार्यक्रम में, उनका भी सम्मान उस वर्ग से है, अनुसूचित जनजाति और वर्ग से। तो एक पूरे कार्य योजना का विस्तृत चर्चा करके आगामी दिनों में हमारी जो बूथ इकाई तक कार्यक्रम आपके हैं निश्चित हुए हैं उस पर विस्तृत चर्चा होगी। डेफिनेटली हमारे 90 में से 54 सीट में विजय सीट प्राप्त हुई है और किन्हीं कारणों से विशेष परिस्थितियों में हमारे जो 36 विधानसभा से हम जीत नहीं सके उन प्रत्याशियों की भी आज उन सभी की बैठक हुई है और बैठक में माननीय अजय जामवाल जी, माननीय पवन शाही जी के साथ और आगामी कार्यक्रमों से सभी को जोड़ के रखना और उन विधानसभा क्षेत्रों में भी जहां पर हमारे प्रत्याशियों को विजय सीट प्राप्त नहीं हुई है पार्टी के कार्यक्रम योजनाओं से और जोड़ के नीचे तक पहुंचाना। आने वाले लोकसभा चुनाव की दृष्टि से हमारे आज की कार्य समिति में भी टास्क दिया गया है, कार्य योजना बनाई गई है साथ ही और उन सभी 36 विधानसभाओं में जहां हमारे प्रत्याशी जीत के नहीं आ सके हैं और उस विषय पर भी विस्तृत चर्चा हुई है, उनको भी लगातार संगठन के कार्यों से कार्य योजना से जुड़ के और निरंतर गतिशीलता उस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बनाने की बात हुई। बस्तर के सांसद हैं दीपक बैज, उन्होंने आज छह विधायकों की बैठक रखी गई थी जिसमें जो आसन चुनाव में विधानसभा चुनाव में जो प्रत्याशी अपना किसी कारण से जीत नहीं पाए एक समीक्षा बैठक माननीय संगठन महामंत्री गण प्रदेश अध्यक्ष जी रखे थे। तमाम लोगों ने अपने जो सुझाव और जो परिस्थिति था जो वहाँ पे वस्तुस्थिति था उनके बारे में अवगत कराया है और आने वाले दिनों में हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हैं, चुनाते आसन लोगों चुनाव के लिए सबको सक्रियता से काम करने के लिए निर्देश मिला है और तमाम जो विषय था निश्चित तौर पार्टी जो पदाधिकारी उनको अवगत करा दी गई है। सभी लोगों ने आश्वस्त किया है कि इस तमाम परिणाम के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय काम करेंगे। ठीक है, थैंक यू। और कुछ है क्या?